How vigilantes thrashed two women in the presence of the police in Mandsaur on Tuesday for carrying around 30 kilograms of buffalo meat. According to the police, the two women were travelling by a local train from Jawra to Ratlam when police were informed that they were carrying large quantities of beef. The vigilantes initially alleged that they were carrying cow meat, but later it was found that they were carrying buffalo meat. कुल 30 किलोग्राम वो मांस पाया गया जिसकी जांच वेटनरी डॉक्टर से करवाई जा रही थी वो किस प्रजाति का मैडम इन जो धाराएं लगाई गई है ये वेटनरी की रिपोर्ट आने के बाद लगाई है उसके बाद लगाई नहीं अगर खुलासा हो जाएगा तो इसमें फर्दर जो भी प्रावधान है वो इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे इन महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट भी की गई यदि कोई शिकायत मिलती तो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज होगा बिल्कुल अगर कोई भी शिकायत होगी तो जांच की जाएगी These two ladies were on their way from Jawra to Ratlam and midway in Mandsaur. The police and these cow vigilantes, they were informed by someone that they were carrying allegedly a large quantity of beef. They were not just taken into custody but also in presence of the police, in police custody. Mm-hmm. These women were thrashed by these people and then thereafter they were booked. And later on, the meat that was found from their possession was sent for inquiry and in lab investigations, it was found that it was buffalo meat. The police, in fact, claims that right. Yes, they have really found out that it was buffalo meat, but still, in presence of the police, these two women were thrashed up by these people. So, Una, mein jo dalit kaand hua go raksha ke naam par, wo kisi se chhipa nahi hai, aur abhi hi kal, to Madhya Pradesh mein jahan BJP ki sarkar hai. तो गो रक्षा के नाम पर वहाँ पर जो महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया गया है उनको पीटा गया है पुलिस खड़े होके वहाँ पे तमाशा देखती रही भीड़ तमाशा देखती रही और खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को जो पीटा गया वहाँ पर मेरे ख्याल ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है और खासतौर से मैं मिस्टर नकवी से पूछना चाहती हूँ वहाँ पर आपके समाज के जो महिलाओं का उत्पीड़न किया गया है आप खड़े होकर बताएं कि मध्य प्रदेश में गौरक्षा के नाम पर जो मुस्लिम महिलाओं का साथ जो उत्पीड़न किया गया है okay. क्या वो बर्दाश्त करने लायक है गौरक्षा के नाम पर पहले पूरे देश के अंदर मुसलमानों के साथ उत्पीड़न किया गया ऊना के अंदर दलितों के साथ किया गया जब युवकों के साथ किया गया अब मध्य प्रदेश में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर महिलाओं का पीटा गया सरेआम पीटा गया पुलिस तमाशा देखती रही भीड़ तमाशा देखती रही सरकार क्या कहना चाहेगी और बीजेपी के लोग दूसरी तरफ नारा लगाते हैं बेटी के okay, सम्मान okay, में right. बीजेपी मैदान में महिलाओं के सम्मान okay. में बीजेपी okay, मैदान में मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है गो मास के नाम पर गो रक्षा के नाम पर जो महिलाओं को उत्पीड़न किया जा रहा है मेरे ख्याल में ठीक नहीं है सरकार को जवाब देना चाहिए क्या ठीक हो रहा है गौरक्षा के नाम पर गौ मास के नाम पर जो महिलाओं को कल मध्य प्रदेश में पीटा गया है क्या वो ठीक हो रहा है ना दैट्स ओके